स्कैन किए होंगे वो देख लेंगे। चलिए, लेकिन इसको भेजने में टाइम लगता है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस। स्क्रीन तो प्रेजेंट हो ही रहा है, तो अभी हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। जितने लिखा ना ग्रीन में, जो भी कलर आपको दिख रहा है ब्लू में और पर्पल में, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स ही हैं। इनका हम यूज देखेंगे। पहले स्लाइड में देखेंगे लिटिल का, और लिटिल का और द लिटिल का, फिर देखेंगे फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का, और फिर देखेंगे मच का, मेनी का, सेवरल का, बोथ का, और एक इम्पोर्टेंट मैटर में लगा हुआ हमें चौथी स्लाइड में। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग देखते हैं, और दिमाग को बिल्कुल साफ करके जितना जानते हैं उसको मिटा दीजिए। जब मैं बता दूंगा तो फिर आप जोड़ कर ठीक कर लीजिएगा, और बिल्कुल स्वच्छ माइंड से पढ़िए। है हमारा जो आर्टिकल, जो हमारा ये एडजेक्टिव है, तीन, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसका तीनों का हिंदी है थोड़ा, थोड़ा। ये तीनों आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब हमें थोड़ी क्वांटिटी बतानी होती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, और आपको बता दिया है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसमें मात्रा का बोध होता है, और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। छोड़िए, बड़ी बातें छोड़ दीजिए। अभी अभी हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बातें करते हैं। ए, इनका प्रयोग हमेशा करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। किन के साथ, जरा बोलिए। हाँ, एक आदमी माइक्रोफोन ऑन कीजिए। चंदन माइक्रोफोन ऑन रखिए आप, बाकी को ऑफ कर, ऑफ बाकी ऑफ कर लीजिए, आप बोलते रहिए मेरे साथ। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जिसका हिंदी थोड़ा है, बोलिए किसी को बोलना है, इसका प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा। कभी भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब आप जानते हैं क्वांटिटी का बोध होता है इसे अनकाउंटेबल नाउन से, बार बार देख लिया है, एडजेक्टिव क्वांटिटी में भी पढ़ लिया है। और इनका मतलब होता है थोड़ा, लेकिन मतलब कैसा, मत, अच्छा ठीक है, मतलब होता है थोड़ा। अभी यहाँ पे, हाँ बोलिए, देखिए, अब तीनों का मतलब होता है थोड़ा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। अब एक एक का पढ़ते हैं, लिटिल का और अ लिटिल का और द लिटिल का। देखिए, हमारे पास क्या है, खाना है, हमारे पास क्या कहें, टाइम है। टाइम से हम देखते हैं, क्योंकि टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे फूड भी अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम है हमारे पास, और एग्जाम के लिए 2 आवर्स का टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आप लेट कितना हुए हैं, 1.5 घंटा। तो कहानी के थ्रू हम समझते हैं इसको, इस बात के थ्रू समझते हैं, कहानी नहीं कहेंगे इसको, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। बिकॉज एक्चुअली आपको जब इसका प्रयोग करना होगा ना, तो सिचुएशन के अनुसार प्रयोग करना होगा। तीनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कब लिटिल, कब अलिटिल, कब द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो जब आप बोलेंगे कि अब मेरे पास थोड़ा समय है, तो उस थोड़ा के लिए आप, अब आपके पास कितना समय है, 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं, आपके पास आधा घंटा, हाफ एन आवर टाइम है। किसी कारण से और भी टीचर को जो देना होता है, वो देने में फिर भरने में आपके पास अब 30 मिनट ना हो करके अब आपके पास 20 मिनट टाइम रह गया। और जब वो सब मिल गया, अब आपको लिखना है, तो आपके पास एक्चुअल टाइम जो हो गया, या आप घबरा गए थोड़ा सा, अब बेल रिंग होने वाला है, पूरा फास्ट लिख रहे हैं, तो आपके पास, मैं उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 5 मिनट टाइम बचा है, यहाँ पे 20 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट। ठीक है, कहानी को उल्टा करते हैं। जब आप पहुंचते हैं, तो आपके, आप 30 मिनट आपके पास टाइम है। जब पेपर और कॉपी मिलता है, तो उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचता है। आप घबराए हुए हैं, और जब देख रहे हैं घड़ी, तो आपके पास अब 5 मिनट टाइम बचा हुआ है। यही है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कैसे है,
लिटिल का प्रयोग करते हैं क्वांटिटी को बताने के लिए, बता दिया है पहले ही तीनों का ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब है नहीं, खत्म हो गई है, झूठ मूठ की बातें हैं, थोड़ा मतलब नाम मात्र का, इसको निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। क्या कहेंगे कि मेरे पास 5 मिनट का समय है एग्जाम का पेपर लिखने के लिए, जहां पे टाइम कितना 120 मिनट होना चाहिए था, वहां पे आपके पास बचा है कितना 5 मिनट, तो इसको कहेंगे कि मेरे पास लिटिल टाइम है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए फिर पूछने के लिए बोलूंगा। फिर और लिटिल के बारे में बोलेंगे कि अब 20 मिनट बचा हुआ है, आपको पेपर और आपका जो कॉपी है दोनों मिल गए हैं, तो आप उस वक्त कहेंगे कि मेरे पास और लिटिल टाइम है, कैसे, स्लाइटली मोर, किससे, इसके कंपैरिजन में स्लाइटली मोर टाइम है, और इसका पॉजिटिव सेंस ऑफ प्रयोग होता है कि मेरे पास चलो 20 मिनट टाइम है। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं द लिटिल। द लिटिल में आपके पास इससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर टाइम है, उसके तुलना में थोड़ा सा आपके पास अधिक टाइम है, लेकिन इनसफिशियंट है आपके आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो यहाँ भी लिटिल का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ भी थोड़ा ही है, लेकिन इसको कहेंगे चलो मेरे पास 30 मिनट तो टाइम है ना। हाँ, तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, जब थोड़ा जो कि बिल्कुल नकारात्मक रूप में है, जो मान लेते हैं कि नहीं के बराबर है, तो वहां पे लिटिल का प्रयोग करते हैं। जब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत है, हाँ इसे कोशिश तो कर सकते हैं, तो वहां पे अ लिटिल। और जब लगता है कि अरे इतना टाइम है ना, मैं तो सब पढ़ा हूँ, इतना देर में भी निपटा दूंगा, तो आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने वाला टाइम होता है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे 120 मिनट है उसमें से 30 मिनट ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे द लिटिल। मतलब समझ गए क्या आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा, कैसे प्रयोग करते हैं? रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका? जिनको नहीं समझ में आया वो बोलिए। हम बात कर रहे हैं थोड़ा का। थोड़ा का मतलब पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन तीनों का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है, क्योंकि जहां भी लिखा ना मैंने सेंटेंस लिटिल होप, होप अनकाउंटेबल नाउन है, फिर अ लिटिल हेल्प, हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है, द लिटिल फूड, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही करेंगे। ठीक है, अब हम एक वाक्य ले लेते हैं। वाक्य में लिया है हमने कि हमें जिस एग्जाम में CDS के एग्जाम में अपीयर होना है और उसमें हमें मिलेगा 120 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं लेट हो चुका हूँ। कितना लेट हो चुका हूँ? 1.5 घंटा, मतलब मेरे पास केवल 30 मिनट का टाइम है, तो इस 30 मिनट को मैं यहाँ पे द लिटिल पे रखता हूँ। अब आपको पेपर मिला, पेपर पे नाम और नोट कर दिया, नोटबुक पे पेपर मिला, सब मिलकर आपको अब केवल 20 मिनट बचा हुआ है, और फिर जब आप लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं हिम्मत हारने लगते हैं, आप लगता है आप कैसे होगा, तो वहां पे आपके पास 5 मिनट बचा हुआ है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि जो 5 मिनट बचा हुआ, इस लिटिल को बोलते हैं कि यह निगेटिव सेंस में जब यूज होने लगता है और लगभग ना के बराबर है, तो वहां पे प्रयोग करते हैं लिटिल का। मतलब कोई क्वांटिटी, जैसे कि द बेगर हैड लिटिल होप ऑफ गेटिंग फूड, खाना प्राप्त करने के लिए बेगर के पास थोड़ी ही आशा थी, होप थी, मतलब वो नकारात्मक भाव रख रहा है कि मिलेगी तो नहीं, अब खाना, रात को 10 बज चुका है, दिन भर तो मिला नहीं, अब कहाँ से मिलने वाली, भीख मांगना है उसको, तो रात को 10 बजे तो सब सो जाते हैं, तो उसके पास क्या कहेंगे वहां पे, लिटिल होप कहेंगे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे टाइम 5 मिनट, वैसे ही 20 मिनट का है, इसमें थोड़ी बहुत आशा है कि कुछ तो कर दूंगा, पास मार्क्स तो निकाल ही दूंगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद हेल्प ऑफ माई टीचर, हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं अपने शिक्षक की सहायता से, अ लिटिल हेल्प, थोड़ी सहायता से, तो यहाँ पे जो लिटिल है आप इसको धनात्मक रूप में प्रयोग कर रहे हैं और आप आशावान है कि आप उस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही 20 मिनट बचा हुआ है तो आपके पास हिम्मत है, 20 मिनट में पास मार्क्स तो कर ही लेंगे, द लिटिल में 30 मिनट बचा हुआ है, और यहाँ सेंटेंस से भी देख लेते हैं, द हंग्री ट्रेवलर्स एट द लिटिल फूड दे हैड लेफ्ट, जो भूखे यात्री थे, पर्यटक थे, यात्री थे, वो जितनी थोड़ी, जितना थोड़ा भोजन था उसे खा गए, मतलब भोजन से पेट तो नहीं भरा,
अपना जो रिक्वायरमेंट था फुल नहीं हुआ, लेकिन काम चल जाएगा। तो ऐसे ही 30 मिनट बचा हुआ है, आपने इतनी पढ़ाई कर ली है इंग्लिश की कि 30 मिनट में भी आप अपना काम कर लेंगे। 120 है, फटाफट एबीसी एबीसी तो करना है, कर देंगे आप। हाँ, तो इसको बोलते हैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल। बोलिए, सर। किसी को नहीं क्लियर है? क्योंकि अगला स्लाइड भी इसी पे बेस है, इसका जस्ट उल्टा है ये। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, बहुत पेन चला दिया है, लाल रंग भी यूज किया है। ओके, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। बोलिए, जहां पे लिटिल रखा था ना, वहां पे आप अब फ्यू रख दीजिए। यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, हिंदी होती है कम। हाँ जी, ओके, बैक। वेरी गुड। अब हम कर रहे हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। हाँ, ओके, प्लीज पुट योर क्वेश्चन फॉरवर्ड। व्हाट योर स्पीच नॉट क्लियर? किसी को आवाज समझ में आ रही तो मुझे समझा दीजिए, दूसरा कोई। योर स्पीच इज नॉट क्लियर, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? ओके ओके, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। स्लाइटली का मतलब, स्लाइटली का मतलब यहाँ पे भी स्लाइटली मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, सेम लैंग्वेज का प्रयोग मैंने किया है कि आपको समझने में दिक्कत होगी, नेसेसरी चेंज किया है स्लाइड में, डोंट वरी। अब जैसे माइक्रोफोन प्लीज म्यूट करिए, टर्न ऑफ करिए उसको। अभी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग जब जिस तरह से हम लिटिल का प्रयोग करते थे अनकाउंटेबल के साथ, वैसे ही इन तीनों का प्रयोग करते हैं उल्टा, काउंटेबल के साथ। लिटिल का प्रयोग कहाँ पे? क्वांटिटी को बताने के लिए करते थे, यहाँ पे क्वांटिटी को बताने के लिए, लेकिन इधर हम नंबर को बताने के लिए करेंगे। तो मतलब भी वही है, थोड़ा चाहे कम, बात तो एक ही है। तो दो बातें ध्यान रखेंगे आप, कि हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ और नंबर को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, संख्या, गिनती की संख्या के लिए करते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हाँ, तो जो कहानी थी उसी वैसी ही कहानी है। जब हमारे पास थोड़ा कम होगा तो उसे बोलेंगे कम, जिसे काम नहीं चल सकता है उसे बोलेंगे, वहां पे यूज करेंगे कम के लिए फ्यू का। जहां पर कुछ तो है तो वहां पे बोलेंगे ऑफ यू, और जहां पे कम है मतलब इससे थोड़ा अधिक है लेकिन सफिशियंट नहीं है, वहां पे बोलेंगे द फ्यू। जिस तरह से लिटिल का था सीक्वेंस, ऐसे ही यहाँ पे कम है, इधर उससे अधिक है और यहाँ पे उससे अधिक है, लेकिन लास्ट में जितना चाहिए उतना कभी नहीं, जो चाहिए उससे कम ही रहता है, तो उसमें यूज करते हैं फ्यू, ऑफ यू और द फ्यू का। इसमें क्या कहेंगे कि फ्यू को हमेशा यूज करते हैं नंबर को बताने के लिए, जो कि बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, छोटी सी नंबर होती, संख्या होती है लगभग ना के बराबर, और इसका नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं, निगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अपियर्ड इन द टेस्ट एग्जाम ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो फ्यू मतलब बहुत कम बच्चे अपियर्ड इन, सम्मिलित हुए टेस्ट एग्जाम में, जांच पत्र में, जांच परीक्षा में, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण से। मैं पेंडेमिक जानबूझकर लिखा हूं, इसका स्पेलिंग आपको याद करवाने के लिए, पढ़ते हैं इसको पेंडेमिक, लेकिन स्पेलिंग में PAN, पैन है। तो आप याद रखेंगे PAN DEMIC, पेंडेमिक,
हिंदी होती है महामारी। हिंदी होती है महामारी। तो COVID-19 महामारी के कारण से बहुत ही कम बच्चे टेस्ट एग्जाम में अपियर हुए। ये क्या है, निगेटिव सेंस में हो रहा है, मतलब 100 में से 2-3 आया होगा। अ फ्यू में मतलब ये भी कम है, लेकिन इस फ्यू से थोड़ी है, थोड़ा अधिक है। स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर मतलब जो संख्या इधर थी वेरी स्मॉल थी, अब यहाँ पे स्लाइटली मोर हो गई है संख्या। तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अधिक। स्लाइटली का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं, स्लाइटली मतलब थोड़ा, ठीक है। स्लाइटली मोर मतलब थोड़ा अधिक होती है, लेकिन नॉट वेरी मच, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा। मतलब 3-4 अपीयर हुए थे, तो यहाँ पे 5-6 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे। इसको पॉजिटिव सेंस में प्रयोग करते हैं, कह रहे चलो पेंडेमिक होने पे भी 10 बच्चे तो हमारे पास आए थे एग्जाम में। जैसे होगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टिल राइटिंग द एग्जामिनेशन व्हेन द टाइम इज ओवर। टाइम ओवर हो गया है, या इसी सेंस में कर दीजिए कि पेंडेमिक में यहाँ पे 3 से 4 आए थे, अब यहाँ पे 10 के करीब आए हैं, तो ये भी कम ही है। फिर फ्यू, द फ्यू में क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेरी स्मॉल था, यहाँ स्लाइटली मोर है, और यहाँ पे कंपेरेटिवली मोर है, मतलब जितना ये स्लाइटली मोर है उससे थोड़ा सा अधिक ये है, लेकिन इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट मतलब इन सफिशियंट मतलब अपर्याप्त। कब स्पेलिंग में लिखना भूल गया, कैसे होता है, ऐसे दोनों होता है क्या? हाँ, तो ठीक है, ये हो गया। तो अपर्याप्त होता है इनसफिशियंट का, तो ये भी अपर्याप्त है। तो यहाँ पे 3-4 अपीयर हुए थे, यहाँ 10, यहाँ पे 15 अपीयर हो गए, तो इससे भी क्या बोलेंगे कि यह भी कम ही है। तो इस तरह से हम क्रमशः मतलब बहुत कम, उससे थोड़ा अधिक और उससे थोड़ा अधिक, लेकिन आवश्यकता नहीं पूरी होने तक की कम, इस सेंस में आपको सिचुएशन के अनुसार इसका प्रयोग करना है। हाँ, जब आप करेंगे, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपोजिशन में इसका प्रयोग करना है हमें। तो जब आप इसको पढ़ेंगे और यूज करेंगे, तो आप सिचुएशन के अनुसार करेंगे, कहाँ पे फ्यू, कहाँ पे अफ्यू, कहाँ पे द फ्यू। और साथ में अभी जब भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखें कहाँ पे फ्यू, कहाँ पे अफ्यू, कहाँ पे द फ्यू, अच्छा कहाँ पे लिटिल, अ लिटिल चाहे द लिटिल आया है, कैसे आया है, इसका मतलब क्या है। वहां पे आप इन बातों को हमेशा याद रखेंगे, जो कहानियां की तरफ से कही कि एग्जाम अपियर होने का कम टाइम था, चाहे यहाँ पे बच्चों की संख्या को लेकर देखा, दोनों एस्पेक्ट को आप नजर में रख करके इसका यूज करेंगे। पूछना है किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कुछ पूछना था बोले, बैक चला जाऊंगा। अभी है जो हम यूज करेंगे, सीखेंगे मच का और मेनी का। इसका आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूं, ऐसे क्लियर नहीं लेकिन इशारे इशारे में ही सही। मच का मतलब होता है बहुत, मेनी का होता है अनेक। लिखा है यहाँ पे ऐसे, बहुत और अनेक। तो मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा को बताने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए। जिस तरह से हम लिटिल का प्रयोग करते थे ना थोड़ा के लिए, उसका लिटिल का उल्टा अगर कोई बोलेंगे अपोजिट वर्ड क्या होगा, लिटिल का चाहे अ लिटिल का चाहे द लिटिल का, तो आप इसका अपोजिट वर्ड करेंगे मच। समझ गए आप मच का प्रयोग? ऐसे ही फ्यू का, अफ्यू का, द फ्यू का अपोजिट वर्ड क्या होता, आप कहेंगे मेनी। मेनी का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन्स के साथ, और इससे बड़ी संख्या का बोध होता है। यहाँ से बड़ी मात्रा का बोध होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या का बोध होता है। दोनों का प्रयोग आपको बता दिया।
देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। देयर वॉज मच कंफ्यूजन ओवर द डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्जाम प्रवेश परीक्षा के तिथि के ऊपर बहुत अधिक कंफ्यूजन अर्थात भ्रम था। प्रवेश परीक्षा के तिथि के ऊपर बहुत अधिक भ्रम था, कंफ्यूजन था। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन है यह अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए यहाँ पे मच आया हुआ है। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, मेनी पीपल लाइक टू विजिट मंदिर इन द मॉर्निंग, बहुत लोग, यहाँ पे लोग है, गिनती कर सकते हैं, तो इसलिए मेनी लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि मच का प्रयोग करते हैं तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी जब अधिक होती है, बहुत अधिक होती है तो बताने के लिए, और मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ जब हमें बहुत बड़ी संख्या को बताना होता है तब। योर क्वेश्चंस। बोलिए बोलिए। हाँ आप कह सकते हैं, चलिए आपकी बात मान लिया टेम्पल, लेकिन कुछ हिंदी वर्ड्स का प्रयोग इतना अधिक होता है कि वो इंग्लिश में भी वैसे ही लिख देते हैं। अब देखिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मंदिर का टेम्पल लिखूं, समझ रहे हैं, मतलब इंग्लिश में मंदिर को मंदिर भी लिख सकते हैं हम, लेकिन एग्जाम जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे, 12th का एग्जाम देंगे, वहां पे मंदिर के लिए मंदिर मत लिखिए, टेम्पल लिखिए, लेकिन आप पैराग्राफ राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी है हमारा, हाँ जी, पैराग्राफ में या फिर ऐसे में इंग्लिश का उसमें खास हिंदी वर्ड के तरीके उसका एक्टिव बनाया जाता है ना सर। मैं सुना हूं कि हिंदी में इंग्लिश का लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हिंदी का लिखने का मैं सुना नहीं। मैं जैसे जैसे जानता हूं, जब हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग ना, उसमें आपको तरीका बताऊंगा कि आपको अगर इंग्लिश मीडियम का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे ऐसे लिखना है तो आपको तो हिंदी अधिक आता है, फिर आप कैसे करेंगे। हाँ तो उसको मैं समझाऊंगा कैसे करना, जब वहां पे ट्रिक्स बहुत सा मिलेगा आपको ऐसे राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में जो कंपोजिशन सेक्टर है ना उस पे भी मिलेगा, ऐसे ही टिक्स मिलेगा जिससे आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो कम से कम 50% बातों को ध्यान में रखकर ही कर लेंगे काम। लेकिन मैं इंग्लिश में हिंदी लिखने का नहीं बता सकता ना, मैं देखा हूं। यूज ऑफ सेवरल एंड बोथ, दो है, सेवरल का मतलब होता है अनेक, अब बोथ का मतलब, बोलिए मैं समझा नहीं क्या बोला आपने सर, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ठीक है, ले लीजिए। वेरी गुड। अभी हम करेंगे प्रयोग सेवरल का और बोथ का। अभी क्या सीखा, लिटिल का सीख लिया ना, लिटिल अ लिटिल द लिटिल और फ्यू अ फ्यू द फ्यू, अनकाउंटेबल नाउन और ये काउंटेबल नाउन सी एन। सेवरल का मतलब होता है अनेक, और बोथ का मतलब होता है दोनों। यहां नहीं लिखा है, लिख देता हूं, आप सबको आता है मुझे पता है, पढ़ता हूं पहले जो रेड लाइन में, रेड में लिखा है, सेवरल इज यूज टू शो अ नंबर दैट इज नॉट वेरी लिटिल बट नॉट वेरी लार्ज इधर। इसकी हिंदी होती, जो सेंटेंस लिखा है इसकी हिंदी सुनिए। सेवरल का प्रयोग करते हैं संख्या को दिखाने के लिए जो कि न ही बहुत कम होती है और न ही बहुत अधिक। जो लिखा इसका हिंदी बोला था, प्रॉपर हिंदी है वो। सेवरल का प्रयोग करते हैं संख्या को दिखाने के लिए जो कि न तो बहुत ही कम होती है और न ही बहुत अधिक। जैसे मान लीजिए हम पीपल का प्रयोग किए थे, लास्ट स्लाइड में जाता हूं वापस, मेनी पीपल। यहाँ पे मेनी पीपल में क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे जरूरी नहीं कि गिन पाएंगे, यहाँ पे
जरूरी नहीं है गिन पाएंगे, लेकिन सेबरल में क्या होगा कि सेबरल जब कहेंगे वेरी लिटिल की तो बात ही नहीं है, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम कुछ टाइम लेकर बता नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे घर के समय सेबरल कार्स आर पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, के सामने, इसका होता है के सामने। तो मेरे घर के सामने सेबरल कार्स आर पार्क्ड, अनेक कार पार्क्ड हैं। अरे अनेक कार कितना, हम उसको गिन तो सकते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा गिनने में। तो सेबरल का प्रयोग करते हैं मेनी से कम जब संख्या होती है, तब मेनी का प्रयोग करने से लगता है कि उसको गिनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब सेबरल का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि अधिक है, काउंटिंग इज नॉट देयर, लेकिन काउंटिंग कैन बी डन विद अ लिटिल एफर्ट। मतलब हिंदी में बोल देता हूँ कि सेबरल से ये लगता है कि हाँ अधिक है, लेकिन उसे थोड़ा प्रयास के साथ हम उसको गिन सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, तो वहां पे सेबरल लगाते हैं। दूसरे शब्द में कहूं तो मेनी का जो मतलब है, मेनी का और सेबरल का, मेनी मतलब अनेक, सेबरल मतलब अनेक, लेकिन अनेक जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रयास से एक्सप्लेन कर सकेंगे, तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सेबरल का, यहाँ मेनी का। मतलब संख्या के अनुसार कहें तो मेनी की संख्या अधिक होती है सेबरल से। सर, इसका मतलब मेनी और सेबरल दोनों, वेरी गुड, वेरी गुड, काउंटेबल नाम के साथ यूज होता है, और जो संख्या होती है सेबरल की कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। हाँ, यही अंतर है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि कहीं रूल नहीं है कब मेनी का कब सेबरल का प्रयोग करेंगे। आपकी मर्जी से सेबरल का प्रयोग करिए चाहे मेनी का करिए, लेकिन आपको समझना चाहिए दोनों के बीच अंतर। तो बता रहा हूँ कि संख्या में सेबरल कम होता है मेनी से, सेबरल को लिटिल एफर्ट से उनके बारे में उनको गिनती कर सकते हैं, सबके बारे में बता सकते हैं, लेकिन मेनी के बारे में गिनती करना चाहे बता ना पाना सबके बारे में इम्पॉसिबल के बराबर होता है। हाँ, तो मतलब बहुत बड़ी भीड़ को क्या कहेंगे, मेनी, और एक भीड़ को कहेंगे सेबरल। बोथ, बोथ का मतलब दोनों होता है, यहाँ पे तो एक्सप्लेन करना नहीं है। दोनों मतलब दो नाउंस या प्रोनाउंस एक साथ जब प्रयोग होंगे तो उनके साथ यूज करेंगे बोथ का। पढ़ता हूँ सेंटेंस के लिए, बोथ इज यूज व्हेन देयर आर टू नाउंस एंड बोथ आर बीइंग रेफर्ड टू। मतलब जब हमें प्रयोग करेंगे बोथ का, जब दो नाउंस होंगे, नाउंस ही नहीं प्रोनाउंस भी, यहाँ जोड़ लीजिए प्रोनाउंस, जब दो नाउंस या प्रोनाउंस होंगे और दोनों का की चर्चा करते रहे, उल्लेख कर रहे हैं हम, तब यहाँ पे बोथ का प्रयोग करेंगे। ओके, आई एम सीइंग टाइम, डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में रामू और रमन, बोथ रामू एंड रमन आर कमिंग टू मी, रामू और रमन दोनों मेरे पास आ रहे हैं। कमिंग टू मी मतलब मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो नाउंस है, तो दो नाउंस का दोनों का एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को के लिए हम बोथ का प्रयोग कर देंगे। अब बोथ का प्लेसमेंट देखते हैं। बोथ का प्लेसमेंट हमेशा पहले होता है, पहले नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। किसका, ये पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन है, प्रोनाउन भी यहाँ हो सकता है। तो पहले नाउन के या प्रोनाउन के पहले बोथ का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कॉमन एरर्स में बहुत आता है। ऐसे क्या बोलेगा, रामू एंड रमन बोथ आर कमिंग टू मी, तो आपको लगेगा सही है, ऐसा नहीं, हम जिनके लिए बोथ का प्रयोग कर रहे हैं उनके पहले बोथ आ जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पे, इसका प्लेसमेंट पे ध्यान रखना। बोथ का मतलब बताना मेरा पर्पस नहीं था, बोथ का प्लेसमेंट बताना मेरा पर्पस था। चलिए, I am done on this slide. बताइए किसी को पूछना है कुछ? स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसमें इम्पोर्टेंट मैटर क्या है? द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे बोथ का मैं सेंटेंस में ही प्रयोग कर दिया, बोथ के बारे में बता नहीं रहा हूँ। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर। जो नीचे का वर्ड लिखा ना, आठ वर्ड्स, इनका प्रयोग सिंगुलर रूप में चाहे प्लूरल रूप में, दोनों रूप में कर सकते हैं। और सिंगुलर रूप में कर सकते हैं, प्लूरल में कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम काउंटेबल के साथ चाहे अनकाउंट, नंबर बताने में क्या होगा काउंटेबल, और क्वांटिटी बताने में क्या होगा अनकाउंटेबल। तो हम ये जो आठ लिखे हैं, इन सभी आठों शब्दों का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे चाहे प्लूरल में करेंगे, पहली बात खत्म। दूसरी बात, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं चाहे काउंटेबल प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। जो नीले में सेंटेंस लिखा है उसका यही मतलब है, ठीक है। जैसे उस दिन पूछा था आपके में किसी ने, जैसे नो पिक्चर्स था, है ना, नो पिक्चर्स, तो मैंने क्या कहा था कि नो के बाद सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, कहा था ना, याद है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात फिर से दोबारा कर रहा हूँ, नो नॉन, याद करने के लिए ऐसा सीक्वेंस में लिखा है कि आप याद कर सकते हैं। नो नॉन मोर मोस्ट एनी सम ऑल अलॉट ऑफ, सबका हिंदी तो आपको पता ही होगा। एनी मतलब कोई होता है, सम मतलब कोई होता है, ऑल मतलब सभी, अलॉट ऑफ मतलब बहुत, ठीक। तो नो मोर सॉरी नो नन मोर मोस्ट एनी सम ऑल अलॉट ऑफ, ये सब मैंने एक सीक्वेंस रखा है, नो वाला एन एन वाला एक साथ, एम एम वाला एक साथ, ए वाला एक साथ, और एनी सम में डिफरेंस बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जब हम किसी से पॉजिटिव अपेक्षा करेंगे, धनात्मक अपेक्षा करेंगे, जैसे कि आई वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम यू, मैं बोलता हूँ सेंटेंस आई वॉन्ट सम हेल्प फ्रॉम यू, तो यहाँ पे जो सम हेल्प मतलब मैं उसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि मुझे हेल्प करेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कैन यू डू एनी हेल्प फ्रॉम मी, मतलब क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उसे अपेक्षा निगेटिव में कर रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा, मन मुझे लग रहा है कि नहीं करेगा, इसलिए एनी का प्रयोग कर दिया। तो निगेटिव सेंस में एनी का और पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ओके, इसको ओवर करते हैं क्लास को।